हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट वन। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन था, और उसमें रीजनिंग की जो बेसिक बातें थी आपको बताई गई थी। जो बच्चे जो स्टूडेंट उसको नहीं देखे होंगे, जरूर उसको देख लेंगे। उसमें बेसिक रूल्स बताए गए हैं। स्पेशली अभी चल रहा है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें जो भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे SSC हो, NEET हो, एयर फोर्स हो, नेवी हो, UPSC, DPSC, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जानते हैं उसमें रीजनिंग आना ही आना है। देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 = 4, 8 = 16, 10 = 20, देन 15 = 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 2 = 4, इट मीन्स 2 × 2, ये 4 होता है। सेकेंड टर्म है 8 = 16, 8 × 2 होता है 16। उसके बाद है 10 = 20, 10 × 2 = 20। यहाँ देखेंगे सब में जो भी नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया। इसी तरीके से 15 पूछा है, 15 × 2 ये हो जाएगा 30, 30 आपका आंसर बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ माइनस मीन्स प्लस, प्लस मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई, इंटू मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, देन। अब यहाँ दो क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत से आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 30 + 5 − 4 / 10 × 5। अब यहाँ साइन देखते हैं, 30 रहेगा, प्लस प्लस को क्या करना है, माइनस, 5 रहेगा, माइनस है, माइनस को क्या लिखना है, यहाँ देखेंगे माइनस को लिखता है प्लस, तो यहाँ प्लस लिखने को छोड़ जाएगा। उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड को क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई, 10 रहेगा और मल्टीप्लाई को डिवाइड। तो सबसे पहले साइन चेंज किया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बदमाश का रूल आपको बताए थे पिछले वीडियो में, सबसे पहले डिवाइड का प्रोसेस होगा, ये 30 − 5 + 4 × 10, 4 × 2, और यहाँ डिवाइड करना है, तो 5 से 10 में डिवाइड करेंगे 2 होगा। उसके बाद माइनस है, प्लस है, इंटू है, और मास के रूल के अनुसार यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले ये लिखेंगे 30 − 5 + 8, और यहाँ दो साइन बचा, माइनस और प्लस, ये सबसे पहले बनवार से देखेंगे, ऐड होगा, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्ट होती है, तो ऐड करेंगे 30 + 8, ये बनेगा 38 − 5, 5 माइनस करेंगे 33, ये बनेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी है, वी है 30 × 5 − 4 / 10 प्लस 5। सबसे पहले साइन चेंज करना है, 30 रहेगा और इंटू है, मल्टीप्लाई को चेंज करना है डिवाइड में, तो यहाँ डिवाइड लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट को लिखना है प्लस में, प्लस हो गया, फिर डिवाइड है, डिवाइड को इंटू में, और यहाँ प्लस है, प्लस को लिखना है माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, बनवास के अनुसार सबसे पहले डिवाइड होता है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 6 × 6 = 30 + 4 × 10 − 5। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आपको यहाँ इंटू करना है, तो 6 + 40 − 5 = 10, उसके बाद ऐड करना है, ये हुआ 46 और माइनस 5, आंसर बनेगा 41। इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है, इफ 8 + 6 + 1 = 158, 8 +
3 + 1 = 1 16, इसके बाद में 5 + 2 + 1 = 1 25। आपसे यहाँ क्वेश्चन किया है 1 + 2 + 3 इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ देखेंगे 8 6 1, यहाँ केवल डिजिट का ना इंटरचेंजिंग किया गया है, लास्ट वाले डिजिट को पहले लिखा गया है, देख सकते हैं, और जो मिडिल वाली डिजिट है ना उसमें इसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं है, और फर्स्ट वाले डिजिट को लास्ट में लिखा गया है। उसी तरीके से यहाँ 1 लास्ट में है, 1 पहले लिखा गया है, 2 मिडिल वाली का जो है डिजिट है और इसका कोई डिफरेंस नहीं होगा, और फर्स्ट वाले को लास्ट। उसी तरीके से यहाँ 1 2 3 है, यहाँ लास्ट वाले को पहले लिखना है, उसके बाद जो मिडिल है डिजिट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, और फर्स्ट डिजिट को लास्ट में लिखना है। ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फोर क्वेश्चन है, इफ 4 - 4 = 12, यहाँ लिखते हैं 4 - 4 = 12, उसके बाद है 6 - 6 = 13, 2 - 2 = 2, आपको इसका वैल्यू बताना है, 8 - 8 = 2 करना है। अब यहाँ देखते हैं कौन सा रूल अप्लाई होता है, 4 - 4 = 12, तो यहाँ पे क्या करना है, 4 × 4 - 4 = 16, 16 - 4 = 12, यानी इस डिजिट को ना डबल लिखना है, दो बार लिखना है, 6 × 6 - 6 ये बनेगा 36 - 6 = 13 हुआ, 2 - 2 = 2 - 2 ये हुआ 4, 4 - 2 = 2, उसी तरीके से 8 - 8 है तो 8 × 8 - 8 = 64 - 6, माइनस करेंगे आंसर बनेगा 56 आंसर बना। तो इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इफ 4 × 6 × 2 = 3 5 1, 5 नंबर क्वेश्चन है 4 × 6 × 1 = 2 = 3 5 1, उसके बाद है 3 × 9 × 8 = 287, आपसे पूछा गया है 9 × 5 × 6 = 1, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके लिए 4 6 2 × इतना, यहाँ है 4 × 6 × 2, क्या करेंगे यहाँ से ना -1 करेंगे, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, ये -1 करेंगे 3 हुआ, -1 करेंगे 5 हुआ, -1 करेंगे 1, ये आया 351, यहाँ लिखेंगे 351। सेकेंड है 3 × 9 × 8, इसमें भी आपको -1 करना है, -1 यहाँ भी -1, तो ये बनेगा 3 - 1 = 2 हुआ, 9 - 1 = 8 हुआ, 8 - 1 = 7, तो ये बनेगा 2 8 7। ठीक वैसे ही ये है 9 × 5 × 6, यहाँ भी आपको -1, यहाँ -1 और यहाँ भी -1, 9 - 1 = 8 हुआ, 5 - 1 = 4 हुआ, 6 - 1 = 5 हुआ, तो यहाँ बनेगा 8 4 5, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इससे मैथमेटिकल रीजनिंग के आगे वीडियो जरूर हम लाएंगे। अगर वीडियो लाइक हो, अच्छी लगे, तो वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी कमी लगती हो आप कमेंट जरूर करेंगे, आपकी कमेंट का इंतजार रखता है।